गोदान के होरी धनिया और गोबर, अमीना दादी के लिए ईद पर चिमटा खरीदता अब्दुल, प्रसव पीड़ा से कराह रही धनिया, लाचार व मदमस्त मदिरा पीते बाप बेटे घीशू और माधव, ठाकुर के कुएं पर पानी भरने गई गंगी, पूस की रात में खेत पर कांप रहा हल्कू, साथ में कुकू करता उसका संगी कुत्ता जबरा, अपने दो बैलों हीरा और मोती को प्यार से सहलाता झूरी, और तमाम ऐसे चरित्रों के सृजक का आज जन्मदिन है। जी हाँ, आज जन्मदिन है मशहूर ओ मारूफ कहानीकार मुंशी प्रेमचंद का। नमस्कार, मेरा नाम है कृति और आज इस मौके पर हम जानेंगे प्रेमचंद जी की साहित्यिक विरासत के बारे में। एक लेखक के विचार उनकी कहानियों में हमेशा जिंदा रहते हैं, कहानियाँ जो प्रभावित होती हैं हमारी दुनिया से, वही कहानियाँ और विचार एक लेखक की विरासत है। समय के साथ कई चीजें बदल जाती हैं, पर कुछ कहानियाँ आज भी यथार्थ लगती हैं। प्रसिद्ध लेखक धनपत राय, जिन्हें हम प्रेमचंद के नाम से जानते हैं, भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं, जिनके लेख आज भी लाखों दिलों में जिंदा हैं। वे एक सफल लेखक, कुशल वक्ता, जिम्मेदार संपादक और संवेदनशील रचनाकार थे। प्रेमचंद ने अपने विचार अलग अलग साहित्य रूपों में अभिव्यक्त किए। वह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। प्रेमचंद की रचनाओं में उस समय की सामाजिक स्थितियां झलकती हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण किया है। उनकी कृतियां भारत के जनसामान्य और विविध जाति वर्ग की कृतियां हैं। अपनी कहानियों से प्रेमचंद मानव स्वभाव की आधारभूत महत्ता पर बल देते हैं। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सिरमौर माने जाते हैं। 1906 से 1936 के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। इसमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, बिन मेल की जोड़ियों का विवाह, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष असमानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान मौजूद सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी उन्होंने अपनी कहानियों में प्रतिबिंबित किया। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो आज भी प्रासंगिक है, जैसे दलित साहित्य या नारी साहित्य, उसकी जड़ें प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। हिंदी साहित्य को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए जाने जाने वाले प्रेमचंद ने आम आदमी के जीवन में आने वाली परीक्षाओं और समस्याओं को एक नया रूप प्रदान किया। उन्होंने मानवीय भावनाओं और कहानी कहने की कला को नए सिरे से परिभाषित किया। प्रेमचंद भारत में किसानों के बारे में उस भाषा में लिखने वाले पहले महत्वपूर्ण लेखक थे जो सामान्य जन की भाषा थी। उन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष के 3 दशकों के महत्वपूर्ण इतिहास को भी रेखांकित किया। प्रेमचंद का लेखन न केवल राष्ट्रवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, बल्कि इस समय की किसान स्थितियों का भी महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उनका उपन्यास एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड जैसा है और इस अवधि के सामाजिक इतिहास का पूरक है। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां, सत्र उपन्यास, आत्मकथाएं, नाटक और बहुत से लेख लिखे। साथ ही टॉलस्टॉय और गोर्की जैसे लेखकों की रचनाओं का अनुवाद भी किया। उनका यह साहित्य कल्पना के रूप में जितना अधिक प्रभावी है, उतना ही विश्वसनीय यह समाज शास्त्रीय दस्तावेज के रूप में भी है। उनका मानना था कि साहित्य किसी एक व्यक्ति या उसके अहंकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे मन मस्तिष्क और समाज को अधिक से अधिक बदलने की ओर ज्यादा झुका है। साहित्य व्यक्ति को समाज से अलग नहीं देखता, इसके विपरीत यह व्यक्ति को समाज के अभिन्न अंग के रूप में देखता है। हमारे समय की आवश्यकताओं के मद्देनजर प्रेमचंद के शब्दों और साहित्य के उद्देश्य को पढ़ा जाना चाहिए। प्रेमचंद की विरासत का जश्न मनाने का इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए भी क्योंकि प्रेमचंद की विरासत ही तो समूचे भारत की असली विरासत है।